एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। एक मुलाकात ने पार्टी के दो बड़ों में दरार डाल दी। नवाज शरीफ से मिलने पर नौमौलूद पार्टी में शदीद इख्तलाफात की खबरें इस्तेहकाम गैर मुस्तहकम होने लगी। मामला शुरू हुआ उस वक्त जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में कदम रखा। लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा औन चौधरी की अचानक एंट्री पर सभी हैरान रह गए। पार्टी ने औन चौधरी से वजाहत तलब की तो उन्होंने भी नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुलाकात को जाती फेल कह दिया और वजाहत में कहा कि उनके इस इकदाम का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि औन चौधरी जहांगीर तरीन के करीबी साथियों में से हैं और ऐसा मुमकिन नहीं कि वो नवाज शरीफ से मिलने के लिए जाएं और इसकी खबर जहांगीर तरीन को ना हो। ज़राए के मुताबिक औन चौधरी की वजाहत अलीम खान ने रद्द कर दी है। दूसरी तरफ ज़राए का ये भी दावा है कि जहांगीर तरीन आइंदा इलेक्शन इत्तेहादी बनकर लड़ना चाहते हैं, जबकि अलीम खान का इरादा किसी से इत्तेहाद का नहीं। इख्तलाफात की खबरें अभी खुलकर तो सामने नहीं आई, लेकिन क्या आने वाले दिनों में अलीम खान और जहांगीर तरीन अलग हो सकते हैं? जो भी हो, नवाज शरीफ आ चुके हैं, ताकत भी दिखा चुके हैं। ऐसे में आइंदा सियासत काफी गर्मा गर्म नजर आ रही है। Don't worry, Food Panda संभाल लेगा।